अजय देवगन ऐड में जो विमल खाते हो असल में मिल्क पाउडर होता है, कोल्ड ड्रिंक की ऐड में जो बर्फ यूज की जाती है वो असल में प्लास्टिक की होती और है। क्यों 5 रुपए के चिप्स के ऐड को बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। आज की वीडियो में यही जानेंगे इन टीवी एड्स की असली सच्चाई। नंबर 8, फ्राइज। फ्राइज के ऐड में इन लोग स्पंज का इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर टाइम फ्राइज भी नकली होती है। इन लोग स्पंज में स्टे आते हैं उसमें फ्राइज लगाते हैं और जब सूट जाता देर तक चलता है तो फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्राइज बिगड़ ना जाए। नंबर 7, आइसक्रीम। आपने कोल्ड ड्रिंक के ऐड में वो बर्फ़ देखी होगी, लेकिन ये जो बर्फ़ होती है एक्चुअली में प्लास्टिक की होती है। दरअसल एक ऐड को शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बर्फ़ पिघल जाती है और इसलिए इसकी जगह पर प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और प्लास्टिक के क्यूब नॉर्मल बर्फ से अच्छे भी दिखते हैं। साथ में इसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है ताकि ऐसा लगे कि बर्फ़ से पानी आया है और ये ऐड और भी रियल लगे। नंबर 6, पोटैटो चिप्स की ऐड देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है और ऐसी ऐड को बनाने में कितना ही खर्चा आता होगा क्योंकि इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार भी नहीं होता, लेकिन इन ऐड्स को बनाने के लिए कई मशीनों का यूज़ किया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इसलिए इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इन ऐड्स को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी यूज़ किया जाता है। नंबर 5, मसाला ऐड्स। टीवी ऐड्स में ये जो मसाले दिखाए जाते हैं ये बिल्कुल ही नकली होते हैं, क्योंकि जो हल्दी मिर्ची और मसाला दिखाई देते हो असल में कलरफुल पाउडर होता है, क्योंकि असली मसाले उतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते। ऊपर से जो इन लोग सब्जी बनाते हैं उसमें भी इन लोगों कलर वाले पाउडर ही डालते हैं और वो जो एक्टर होते हैं वो भी इन सब्जी को खाते नहीं हैं, बस इस सब्जी को खाने का नाटक करते हैं। खाएंगे भी कैसे, अगर खा लिया तो पेट में भसड़ मच जाएगी। नंबर 4, हेयर। हेयर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में इन लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं जो कि ग्रीन स्ट्रिक्स का यूज़ करके इस तरह से बालों को हिलाते हैं और फिर वीडियो एडिटिंग की मदद से उसे गायब कर देते हैं। इनके बाल इतने चमकीले दिखाई देने का एक ये भी कारण होता है कि कई हेयर स्टाइलर इनके बालों को घंटों बैठकर सेट करते हैं और इन लोग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के यूज़ करने से इनके बाल इतने चमकीले हो गए। नंबर 3, विमल। अपने विमल का ऐड तो देखा ही होगा, इसमें जो पैकेट होता है वो असल में खाली होता है, पैकेट में कुछ होता ही नहीं। इसके कई रीजन से है। पहले तो एक्टर इन्हें खाने से मना करते हैं और भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें का सारा सामान गिर सकता है और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है वो रियल में इतना सारा केसर होता ही नहीं, और इसमें जो पैकेट दिखाई जाती है वो भी रियल विमल के पैकेट से थोड़ी बड़ी होती है और इसमें हवा भी भरी जाती है ताकि ये भरा भरा दिखे। और कुछ एड्स में तो विमल होती ही नहीं, उसकी जगह ग्रीन कलर के स्क्वायर कार्ड का यूज़ किया जाता है और फिर एडिट करके उसमें विमल के कलर डाले जाते हैं। नंबर 2, बियर एड्स। बियर एड्स में जो बियर होती है इसे आप पी लो तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों, बियर एड्स में क्या ही फेक होगा। तो इन लोग बियर में बियर डालने से पहले शैम्पू डालते हैं क्योंकि शैम्पू से झाग बहुत उत्पन्न होता है। आमतौर पर जब बियर डाली जाती है तब झाग उत्पन्न होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, पर जो शैम्पू वाला झाग रहता है वो बहुत देर तक रहता है। और कई बार इन लोग बियर की जगह पेट्रोल का यूज़ करते हैं क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा कलरफुल होता है और पेट्रोल को कोई पी ले तो उसका क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं। नंबर 1, फ्रूट। फ्रूट ऐड में आपने फ्रूट्स को चमकता हुआ देखा होगा, लेकिन इनके ऊपर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है और ये फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा चमक लाता है। दूसरा तरीका है नेल पॉलिश। इसमें फ्रूट्स पर नेल पॉलिश लगाया जाता है जिससे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं, लेकिन अधिकतर हेयर स्प्रे का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है। तो ऐसे एड्स वाले हम उल्लू बनाते हैं।